नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मानस सर में। और आज ग्रामीण परिवेश की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि अभी पिछले एक दो दिन में अभी लेखपाल की जो मुख्य परीक्षा की जो एग्ज़ाम डेट है वो भी 19 जून आयोग ने घोषित कर दी है। बीच में कुछ व्यस्तता के कारण मैं आपकी क्लासेस रेगुलर नहीं हो पाई। मैं लाइव आने की भी कोशिश कर रहा था, मैं सोच रहा था कि क्लासेस को लाइव तरीके से, क्योंकि इसमें मुझे पूरा लिखना रहता है, उसके बाद फिर उसे रब करके और वीडियो को पॉज करके फिर से दोबारा लिखना रहता है, तो एक काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। तो मैं ये सोच रहा था कि लाइव आके आप लोगों को पढ़ाया जाए, पर चैनल मैंने अभी स्टार्ट किया है तो अभी लाइव की उसमें परमिशन शो नहीं कर रहा है। तो आप लोग कोशिश करिए अपने स्तर पे इसमें सब्सक्राइबर, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर बढ़ाइए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि मैं लाइव आ सकूँ और लाइव आकर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मैं कवर कर सकूं। क्योंकि एक बार लिखना, फिर उसे रब करना, दूसरा ऐड करना लेंथी प्रोसेस हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जितना ग्रामीण परिवेश का, तो चूंकि मैंने ग्रामीण परिवेश की ही बात की थी मुख्यतः और कहा था कि समय बचेगा तो अदर सब्जेक्ट भी पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी ग्रामीण परिवेश को प्राथमिकता देते हुए जितना पार्ट है, जितना पोर्शन है, उसको मैं अधिक से अधिक कवर करने की, मीन्स लगभग पूरा ही कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। आने वाले 7 से 10 दिन में मैं जितना जो बचा हुआ पोर्शन है उसे कंप्लीट करूंगा। आप लोगों से बस एक इतना सहयोग की उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अपने लेवल पे अपने दोस्तों को और अपने जो भी साथ में पढ़ने वाले लोग हैं उन्हें ये चैनल शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए, जिससे कि मैं लाइव आ सकूं। नंबर ऑफ सब्सक्राइबर इंक्रीज हो तो लाइव आके पढ़ाना थोड़ा सा जल्दी होता है और ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन हम कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारा भी ऑब्जेक्टिव यही है कि आपका कोर्स जितनी जल्दी हो सके कंप्लीट करा दूं, जो ग्रामीण परिवेश का कंटेंट है, जिसमें से ज़्यादा आपके सब्जेक्ट आपके पेपर में इसमें से फंसे, है ना, इसमें से आए। ठीक है, तो आइए बिना देर किए हुए क्लास को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैं तिलहनी फसलें डिस्कस कर रहा था, उसमें अगली तिलहनी फसल आती है सनफ्लावर, जिसको जो रबी की फसल है, इसे कुसुम भी कहते हैं। इसका MSP 5,441 रुपये प्रति क्विंटल डिसाइड किया गया है। जल्दी जल्दी नोट्स भी बनाएंगे क्योंकि समय बहुत कम है। सीमा प्रहरी फसल भी इसको कहते हैं क्योंकि इसकी लंबाई इसके पेड़ की थोड़ी ज़्यादा होती है। उत्पादन विश्व में कजाकिस्तान में सबसे ज़्यादा उत्पादन, दूसरे नंबर पर भारत आता है। भारत की बात करें तो भारत में महाराष्ट्र सफ्लावर या कुसुम की फसल, जिससे तेल का निष्कासन किया जाता है, उसमें महाराष्ट्र शीर्ष पर है। तेल की मात्रा इसमें 24 से 36% तक इसमें तेल पाया जाता है। अगला, अब जो मुख्य मुख्य फसलें थी आपकी वो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, जो मुख्य तिलहनी फसलें थी वो कंप्लीट कर चुका हूँ। ये कुछ फसलें हैं, अब आपसे पूछ लिया जाए कुसुम किस तरीके की फसल है तो आपको पता होना चाहिए कि रबी की फसल है, और कुछ डेटा इसका याद रखना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। नाइजर सीड राम तिल ये खरीफ की फसल है, इसका MSP 6,930 रुपये प्रति क्विंटल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। विश्व में भारत शीर्ष पर है और भारत में मध्य प्रदेश और उसके बाद महाराष्ट्र शीर्ष पर है। इसकी जो किस्में हैं सहयाद्री, JNC 1, JNC 6, जहाँ भी JNC लिखा आ जाए आप समझ जाइए राम तिल या नाइजर सीड की किस्म है। ठीक है, अगला देखिए लिनसीड या फ्लैक्स, ये इसको हिंदी में अलसी कहते हैं, ये रबी ऋतु की फसल है। इसमें 33 से 47% तक तेल पाया जाता है। इसकी किस्में सुरभि, मयूरभंज, मुक्ता, हीरा, नीलम, केटू और पूसा 3। पूसा 3 कई जगह, पूसा वर्ड कई जगह कॉमन आया है तो इसको याद रखेंगे। लिनसीड फ्लैक्स या लिनसीड फ्लैक्स या अलसी की बात करें तो इसके उत्पादन में कनाडा सीड्स पर है और उसके बाद भारत, और फिर आप भारत की बात करें तो भारत में आपका मध्य प्रदेश लिनसीड या अलसी के उत्पादन में शीर्ष पर है। अगला आता है आपका तिल, ये खरीफ ऋतु की फसल है। इसका MSP 7,307 रुपये प्रति क्विंटल डिसाइडेड है, निश्चित है। इसमें ऑयल बहुत अधिक मात्रा में 50 से 60% पाया जाता है, प्रोटीन 25% पाया जाता है। उत्पादकता में इसमें सूडान एक नंबर एक पर है, फिर म्यांमार और फिर तीसरे नंबर पर आपका विश्व में भारत आता है। भारत की बात करें तो भारत में गुजरात और गुजरात के बाद पश्चिम बंगाल आपका तिल, जो कि खरीफ ऋतु की फसल है, उसके उत्पादन में गुजरात शीर्ष पर और उसके बाद पश्चिम बंगाल आता है। ठीक है, आगे देखिए एक तिलहनी फसल और बची है, उसको जल्दी से देख लेते हैं, फिर व्यापारिक फसलों की तरफ बढ़ते हैं। तो अब यही लाइव क्लास पढ़ाने में कंटेंट ज़्यादा कंप्लीट हो जाता है, इसलिए आप लोग कोशिश करिए नंबर ऑफ सब्सक्राइबर बढ़ाइए। अगली फसल जो है वो है कास्टर, जिसको अरंडी बोलते हैं, अरंडी का तेल। ठीक है, कास्टर ऑयल,
ठीक है। कास्टर ऑयल की बात करें तो इसमें गुजरात शीर्ष पर है, कास्टर ऑयल की बात करें तो इसमें गुजरात शीर्ष पर है भारत में। यही बस इतना आपको समझना है कि अरंडी का तेल या अरंडी फसल, जो बड़े बड़े से पेड़ होते हैं, इसमें कोई छोटे पेड़ नहीं होते, अरंडी की या कास्टर ऑयल का जो पेड़ होता है काफी बड़ा होता है हाइट में, गुजरात शीर्ष पर है। इसकी अगर उत्पत्ति मानी जाए कि उत्पत्ति इसकी कहां से होती है, तो उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप से मानी जाती है। इसकी उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप से मानी जाती है, अफ्रीका महाद्वीप से मानी जाती है। अगला देखें, इसकी किस्में अरुणा सौभाग्य गिरजा रोजो, इसकी जो किस्में हैं वो है अरुणा सौभाग्य गिरजा और रोजो, ठीक है। ये इसकी कुछ प्रमुख किस्में हैं कास्टर ऑयल या अरंडी के तेल की। अगली बात करें तो अगला आता है, अगर इसमें ऑयल का प्रतिशत देखें तो ऑयल आता है इसमें 33% से 58% तक इसमें ऑयल पाया जाता है, ठीक है। और ये इसके बारे में पूरी जानकारी, ठीक है, कैस्टर ऑयल या अरंडी का तेल। तो भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो गुजरात है, और इसके उत्पादन में भारत अगर विश्व में देखें तो विश्व में भारत इसके उत्पादन में शीर्ष पर है, ठीक है। विश्व में कास्टर ऑयल के प्रोडक्शन में भारत शीर्ष पर है। इसकी उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप से मानी जाती है, किसमें अरुणा सौभाग्य गिरजा रोजो मानी जाती है, रोजो है सॉरी, और इसका ऑयल परसेंटेज 33 से 58% इसमें ऑयल पाया जाता है, ठीक है। तो नोट करिए इसको, ठीक है। आगे देखिए बेटा अगली, अब ये आपकी जो तिलहनी फसलें हैं इसी के साथ कंप्लीट हो जाती हैं कोर्स को बहुत तेजी से, क्योंकि मैंने पूरा जितना कंटेंट को एनालिसिस करके जो जो आपके पार्ट कोर्स मीन्स कोर्स में है जो वो पूरा लगभग मैंने नोट्स अपने बना लिए हैं। ये देखिए मेरे नोट्स हैं, है ना, ये सारी चीज़ें मैंने बना ली हैं अच्छे से, तो इसी से आपको जल्दी से जल्दी मुझे कंप्लीट कराना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला आता है व्यापारिक फसलें, व्यापारिक फसलें या इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉमर्शियल क्रॉप्स। तो जब मैं फसलें पढ़ा रहा था तब मैंने आपसे बताया था कि ऐसी फसलें जिनका उत्पादन ह्यूमन बीइंग्स इसलिए करते हैं ताकि वो उनसे प्रॉफिट लाभ अर्न कर सके, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं, बेसिकली इन फसलों का उत्पादन इसलिए किया जाता है जिससे कि वो प्रॉफिट अर्न कर सके, ठीक है। तो व्यापारिक फसलों का जो उद्देश्य है, उद्देश्य इनका क्या होगा, सिर्फ समझने के लिए आप देख सकते हैं इनका उद्देश्य क्या होगा, बेचकर मुनाफा मींस प्रॉफिट, बेचकर प्रॉफिट अर्न करना, मुनाफा कमाना, ठीक है, बेचकर प्रॉफिट अर्न या मुनाफा कमाना, ठीक है। अब इनमें प्रमुख फसलें कौन सी आती हैं, तो प्रमुख व्यापारिक फसलें, प्रमुख व्यापारिक फसलें, ठीक है, प्रमुख व्यापारिक फसलें। तो इसमें नंबर एक पर जो आता है वो आपका आता है कपास, नंबर एक पर कपास, नंबर टू जूट, नंबर थ्री गन्ना, ठीक है, नंबर फोर चाय, नंबर फाइव कॉफी एंड नंबर सिक्स रबर, ठीक है। ये कुछ प्रमुख व्यापारिक फसलें मैंने लिखी, कपास जूट गन्ना चाय कॉफी रबर, ये कुछ प्रमुख व्यापारिक फसलें हैं। अगर आप देखो तो गन्ना जो है जिसको सुगर कैन कहते हैं, ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यापारिक फसल है, ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यापारिक फसल है, ठीक है। गन्ना उत्तर प्रदेश की, सब ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख कॉमर्शियल क्रॉप या कॉमर्शियल फसल, व्यापारिक फसल कौन सी है, तो गन्ना उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यापारिक फसल है, ठीक है। एक मिनट देखिए, रुकिए मैं देख लूं रिकॉर्डिंग ठीक से हो रही है या नहीं। हाँ ठीक है, तो गन्ना उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यापारिक फसल है, एक मिनट ओके। तो प्रमुख व्यापारिक फसलों में मैं आपको बता रहा था कि कपास
उसके बाद जूट, गन्ना, चाय, कॉफी और रबर। गन्ना उत्तर प्रदेश की प्रमुख कॉमर्शियल फसल है, प्रमुख कॉमर्शियल या व्यापारिक फसल है, ठीक है। अब कपास को क्या कहते हैं, कपास का ये जो मुख्य फसल है कपास और जूट, ये रेशा फसल है। इसमें से क्या निकाला जाता है, रेशा, जो कि बाद में काम में आता है, तो ये रेशा फसल है। और कपास की अगर बात करें तो इसको सिल्वर क्रॉप भी कहा जाता है या सिल्वर फाइबर भी कहा जाता है, चांदी के रेशे भी कहा जाता है, सिल्वर फाइबर भी कहा जाता है। और जूट की अगर बात करें तो इसे गोल्डन फाइबर कहा जाता है, गोल्डन फाइबर, ठीक है। तो सिल्वर फाइबर और गोल्डन फाइबर ये भी याद रखेंगे कि किस फसल को मीन्स मुख्य रूप से गोल्डन फाइबर, तो जूट, सिल्वर फाइबर कपास, ठीक है, ओके। आगे आइए, अब देखिए इसमें अब स्टार्ट करते हैं, प्रमुख जो फसल है आपकी कपास से स्टार्ट करते हैं। अब एक बात ये याद रखेंगे कि इसमें अभी जो एक फसल कपास लेके अगर मैं चलता हूँ तो काफी इसमें कंटेंट है ना, तो थोड़ा सा इसमें ध्यान से नोट्स जरूर साथ ही साथ बनाएंगे। आगे देखिए, प्रमुख व्यापारिक फसल जैसा कि मैंने बताया कपास, गन्ना, रबर, चाय है ना, और जूट है ना, ये प्रमुख व्यावसायिक फसलें हैं या व्यापारिक फसलें हैं। तो इसमें पहला जो कपास आता है उसको देखते हैं, ये खरीफ की फसल है, ये जरूर याद रखेंगे कि ये कैसी फसल है, खरीफ की फसल। इसकी उत्पत्ति भारत में ही मानी जाती है, इसका वैज्ञानिक नाम गॉसिपियम स्पीसीज, इसका वैज्ञानिक नाम है। इसका कुल मालवेसी है, साथ ही साथ लिखते जरूर चलेंगे बेटा, टाइम बिल्कुल नहीं है आपके पेपर में, मेहनत ज्यादा करना है आपको, सारी चीजें याद करनी, बार बार पढ़नी है तभी याद होंगी। आप एक बार सोच रहे हैं कि सर ने बना दिया स्क्रीनशॉट लेके मैं रिवाइज करूंगा और मुझे एग्जाम के टाइम पे याद रहेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आप इसको बार बार लिखिए, रिवाइज करिए, तभी काम चलेगा। क्लासिफिकेशन, इसका वर्गीकरण, कपास को दो भागों में बांटा गया है, दो प्रकार के, एक तो देसी कपास और दूसरा होता है अमेरिकन कपास, ठीक है। देसी कपास में जो बीज, जो सीड्स होते हैं वो भूरे रंग के, ब्राउन कलर के होते हैं, और इसमें गुणसूत्र की संख्या 2n बराबर 26 होती है। ये भी सवाल कभी कभी पूछा जाता है कि गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 26 इसमें। गॉसिपियम अर्बोरियम, गॉसिपियम हर्बेसियम, ये कुछ प्रमुख देसी किस्में, ठीक है। अगर अमेरिकन कपास की बात करें तो इसके बीज का रंग सफेद होता है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या इसके जस्ट डबल 52 होती है। इसमें जो प्रमुख विदेशी किस्में हैं, ये देसी किस्में नहीं, ये विदेशी किस्में हैं, एक तो गॉसिपियम, ये वाला गॉसिपियम हिर्स्टम एंड गॉसिपियम बारबेंडस, ये अमेरिकन कपास की प्रमुख दो किस्में हैं। इसमें जो गॉसिपियम बारबेंडस है, इसके रेशे की जो लंबाई है वो सर्वाधिक होती है, ठीक है। आगे आइए, इसकी फसल के लिए, कपास की फसल के लिए जो तापमान चाहिए वो 16 से 32 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसके लिए वर्षा का स्तर 60 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके लिए जो मृदा, मिट्टी होनी चाहिए, तो कपास मीन्स काली मिट्टी, जिसको हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, तो ऐसी मिट्टी होनी चाहिए। इसको सिल्वर गोल्ड मैंने कहा बोलते, सॉरी सफेद सोना, हाँ सिल्वर गोल्ड कह सकते हैं या वाइट गोल्ड भी कह सकते हैं, वैसे सिल्वर नॉट वाइट, सिल्वर या सफेद सोना इसे कहा जाता है, वाइट गोल्ड, ठीक है, वाइट गोल्ड, सफेद सोना वाइट गोल्ड इसे कहा जाता है। महाराष्ट्र में इसे वाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये कपास का कुछ प्रमुख बातें, और आगे बढ़ते हैं, इसमें लिख लीजिए अगर लिखा नहीं है, स्क्रीनशॉट, सॉरी वो उधर का रब हो गया, उत्पत्ति भारत लिखा हुआ था, कुल मालवेसी, वैज्ञानिक किस्में गॉसिपियम, देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, ठीक है। वीडियो पॉज नहीं करेंगे क्योंकि एडिटिंग में फिर टाइम लगता है मुझे उसको ज्वाइन करने में, तो साथ ही साथ लिखिए, वो ज्यादा सही रहेगा, याद भी होता रहेगा आपको। आइए आगे बढ़िए, कपास में ही आगे बढ़ते हैं, कपास का जो जितना आपने लिखा उसमें आगे देखिए, आगे क्या पॉइंट है। इसमें तेल की मात्रा 15 से 20%, ठीक है, 15 से 25% तक इसमें तेल पाया जाता है। मतलब अगर 100 ग्राम लिया है तो उसमें 15% से लेके 25% तक तेल होगा, ठीक है। कपास में रुई की मात्रा 24 से 28%, कपास में लिखते चलेंगे साथ ही साथ, रुई की मात्रा
24 से 28% औसतन अगर देखें, औसतन मतलब एवरेज 33%, ठीक है। कपास में रुई की मात्रा या रेशे की मात्रा लगभग 24 से 28%, औसतन 33% कह सकते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं की जाती हैं, महत्वपूर्ण कुछ प्रक्रियाएं की जाती हैं इसके फसल में, उनको बोलते हैं गिनिंग और स्पिनिंग। उन महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को गिनिंग और स्पिनिंग बोलते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए गिनिंग और स्पिनिंग जो दो प्रोसेस हैं, दो प्रक्रियाएं हैं, ये किस फसल में की जाती हैं, तो कपास में, ठीक है। इसमें अगर देखें तो सर्वोत्तम रेशे की लंबाई मीन्स जो सबसे अच्छा रेशा होता है जिस भी फसल में, सर्वोत्तम रेशे की लंबाई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सर्वोत्तम रेशे की लंबाई 5 सेंटीमीटर तक होती है कपास के फसल में। इसमें पहली हाइब्रिड वैरायटी जो इसकी थी उसका नाम है H4। ये पहली हाइब्रिड वैरायटी या पहली संकर किस्म थी जिसको डॉक्टर सीटी पटेल ने 1970 में डिस्कवर किया। डॉक्टर सीटी पटेल 1970 में इसको खोजा, ठीक है, इसको डेवलप किया, ठीक है। आगे देखिए, इसमें एक और आता है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन का होता है मतलब होता है बायोटेक्नोलॉजी से विकसित। बीटी का फुल फॉर्म है बायोटेक्नोलॉजी से विकसित। ये ऐसा कॉटन है जिसमें बायोटेक्नोलॉजी से इस फसल का विकास किया गया है, बायोटेक्नोलॉजी से विकसित, ठीक है, बीटी कॉटन। अब इसका जो अगर देखें तो इसका आविष्कार 1987 में भारत में ही हुआ, ठीक है। और इस बीटी कॉटन की जो स्वीकृति थी 2002 में इसको स्वीकृति मिली गवर्नमेंट से कि हाँ ठीक है, इसका प्रोडक्शन आप कर सकते हैं, ठीक है। भारत में ये 96 भारत में ये लिखते रहेंगे बेटा, भारत में 96% क्षेत्रफल पर इसी किस्म की खेती की जाती है, इसकी खेती की जाती है, ठीक है। भारत में बीटी कॉटन का उत्पादन लगभग 96% क्षेत्रफल पर उसका उत्पादन किया जाता है और इसके लिए लगभग 10,000 प्लांट मींस पौधे पर हेक्टेयर लगाए जाते हैं, ठीक है। 10,000 प्लांट या पौधे प्लांट प्रति हेक्टेयर लगाया जाता है। और एक सवाल अगर आपसे पूछा जाए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं इधर लिख देता हूं, पहले इतना नोट कर लीजिए बेटा, या यहां पे आ जाएगा, लिख सकते हैं यहां पे, फादर ऑफ बीटी कॉटन इन इंडिया। इंडिया में बीटी कॉटन कौन लेके आया? सी डी मई, ठीक है। ये देख लो बेटा, मुझे चेक करना रहता है कि रिकॉर्डिंग ठीक से हो रही है कि नहीं। आप तब तक स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, ठीक है। सीडीमई तो कपास में तेल की मात्रा 15 से 25% तक होती है, कपास में रुई की मात्रा 24 से 28%, औसतन 33% होती है। इसकी महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं गिनिंग और स्पिनिंग है। सर्वोत्तम रेशे की लंबाई 5 सेंटीमीटर तक हो सकती है। पहली हाइब्रिड वैरायटी, पहली संकर प्रजाति H4 है जो डॉक्टर सी टी पटेल ने 1970 में डेवलप की। अगला एक कॉटन जो बहुत महत्वपूर्ण है जिसको बीटी कॉटन बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी डेवलप्ड, ये बायोटेक्नोलॉजी से विकसित हुआ है बीटी कॉटन, इसको 2002 में स्वीकृति दी गई और भारत में लगभग 96% इसी कपास का उत्पादन होता है। 10,000 प्लांट इसके प्रति हेक्टेयर मीन 10,000 वर्ग मीटर प्रति हेक्टेयर में इसके 10,000 प्लांट लगाए जाते हैं। फादर ऑफ बीटी कॉटन इन इंडिया डॉक्टर सी डी मई, ठीक है, इसको नोट कर लिया होगा सबने। आगे देखते हैं कपास में फैक्ट, जो प्रमुख फसलें हैं जिनमें डेटा ज्यादा है, फैक्ट ज्यादा है, उनको जिसमें जितनी जरूरत है उतना लेके मैं चल रहा हूँ, तो आप लोग साथ ही साथ नोट्स बनाते रहेंगे। इसके बाद आता है इसकी महत्वपूर्ण किस्में, ठीक है। तो इसकी किस्मों में आता है
जो देसी किस्म है, मैंने दो तरीके का आपको कॉटन बताया, एक तो देसी और एक अमेरिकन। तो देसी किस्म है कपास की, देसी किस्म है, तो देसी किस्म है लोहित दिग्विजय प्रताप कृषि गिरनार, लोहित दिग्विजय प्रताप कृषि वन, प्रताप कृषि वन, गिरनार ओके, G27 ठीक है, संजय, ये देसी किस्में हैं किसकी, कपास की। दूसरा किस्म क्या मैंने बताया था, अमेरिकन, अमेरिकन किस्म। तो अमेरिकन किस्में की बात करें तो सुजाता सुवीन महालक्ष्मी जयलक्ष्मी, सुजाता सुवीन महालक्ष्मी और जयलक्ष्मी ठीक है, सुजाता सुनीम सुवीन वाहे सुवीन महालक्ष्मी और जयलक्ष्मी, ये कुछ अमेरिकन किस्में हैं ठीक है ओके। सुजाता सुवीन महालक्ष्मी जयलक्ष्मी ये इसकी कुछ अमेरिकन किस्में हैं। अब इसकी हाइब्रिड किस्में देखिए, संकर किस्में या हाइब्रिड वैरायटी, संकर किस्में, संकर किस्म, संकर का मतलब ये होता है ऐसी किस्म जिनमें दो तरीके की किस्मों को मिला दिया जाए ठीक है, इनको इनको मिला दो है ना, ऐसा कुछ क्रॉस सेक्शन कर दिया जाए तो उनको हम संकर किस्में बोलते हैं। तो संकर किस्मों में आती है आपकी H4, पहली मैंने सबसे पहले यही बताया था, H4 H6 ओके, वारा लक्ष्मी MCU5, वारा लक्ष्मी MCU5, धन लक्ष्मी सूर्य सविता, धन लक्ष्मी इसको याद करने का बस एक ही तरीका है कि बार बार लिखिए सूर्य और सविता, धन लक्ष्मी सूर्य और सविता। अगला देखिए बीटी कपास की प्रमुख किस्में, बायोटेक्नोलॉजी डेवलप्ड बीटी कपास की प्रमुख फसलें, बीटी कपास की प्रमुख फसलें, बहुत तेजी से कोर्स को कंप्लीट करना है, मेरे सामने भी यही ऑब्जेक्टिव है और आपके सामने भी यही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ज्यादा किताबें इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, जितना अभी तक आपने पढ़ा है उसमें एक महीने अभी शुरुआत के आप उसमें दीजिए कि कितना ज्यादा से ज्यादा जो पोर्शन टफ लग रहा है उसको कंप्लीट करिए, उसके बाद रिविजन करिए। एक ही बुक को 10 बार पढ़िए, 10 बुक को बार बार मत पढ़िए, एक ही बुक को 10 बार पढ़िए। बीटी कपास की प्रमुख फसलें इसमें है अंकुर MAC4 बॉलगार्ड 2, अंकुर MAC4 बॉडगार्ड 2 ठीक है, अंकुर MAC4 बॉडगार्ड 2 ये इसकी कुछ प्रमुख फसलें हो गई मुझे। हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग सही हो रही है बेटा, चेक करना रहता है, अगर एक बार रिकॉर्डिंग बंद हो जाती तो पूरी मेहनत गड़बड़ हो जाती है बेटा। तो बीटी कपास की प्रमुख फसलें अंकुर MAC4 बॉडगार्ड 2 ठीक, आगे आइए जिले नोट कर लीजिए, देसी किस्में, अमेरिकन किस्में, संकर किस्में, बीटी कपास की प्रमुख फसलें, अंकुर किसकी किस्म है कपास की, बॉडगार्ड 2 किसकी किस्म है कपास की, H4 पहली संकर किस्म है जो भारत में डेवलप हुई कपास की ठीक है, सुजाता सुवीन महालक्ष्मी जयलक्ष्मी अमेरिकन किस्म है, लोहित दिग्विजय प्रताप कृषिवन गिरनार G27 संजय ये देसी किस्म है ठीक है। आगे आइए, अब इस फसल में जो खरपतवार होंगे तो खरपतवार नाशी है ना, खरपतवार नाशी भी यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए खरपतवार नाशक, खरपतवार तो जानते ही हैं आप लोग, खरपतवार नाशक ऐसे पौधे जो खेती में उगाते हैं जिनका काम नहीं है ना, जो एक तरीके से पौधे को मिलने वाले पोषण को न्यूट्रिएंट्स को खुद एब्जॉर्ब कर लेते हैं, खुद खा लेते हैं, खुद ले लेते हैं और पौधा कमजोर हो जाता है, फसल का उत्पादन कम हो जाता है, उन्हें खरपतवार कहते हैं। तो खरपतवार नाशक में पहला आता है एला क्लोर ये यूज किया जाता है, दूसरा है डाई यूरोन ठीक है, डाई यूरोन एलाक्लोर, दूसरा 2,4-D ये 2,4-D हानिकारक होता है ठीक है, इसकी वजह से फिंगर लीफ रोग भी हो जाता है, ये भी एक खरपतवार नाशक है बट ये हानिकारक होता है, इसकी वजह से फिंगर लीफ रोग हो जाता है कपास में, कपास के पौधों में
ठीक है, तो ये इतना डिजायर्ड नहीं है, एलाक्लोर डायूरॉन ये दोनों डिजायर्ड है। ओके, एलाक्लोर डायूरॉन ये दोनों डिजायर्ड है। आगे आइए, खरपतवार नाशक, ठीक है। अब देखिए, कपास के देहिक विकार, कपास के पौधे में होने वाले विकार, कपास के पौधे में होने वाले विकार, या इसको हम बोल सकते हैं कपास के दैहिक विकार, परेशान क्या है ना, प्रॉब्लम्स। तो पहला है इसमें नाइट्रोजन तिराक, पहला है तिराक, ये होता है नाइट्रोजन की कमी से, नाइट्रोजन N2 की कमी से, दिख रहा है आप लोगों को साफ, नाइट्रोजन की कमी से, एक मिनट चेक कर लो, हाँ नाइट्रोजन की कमी से, ठीक है, तिराक नाइट्रोजन की कमी से। दूसरा है लिटिल लीफ, दूसरा है लिटिल लीफ, पत्तियां छोटी छोटी, ये जिंक की कमी से, जिंक की कमी से। तीसरा, तीसरा है आपका क्रिंकल लीफ, क्रिंकल लीफ ये है आपका, और ये है मैग्नीज की अधिकता, मैग्नीज की अधिकता, अगर मैग्नीज की अधिकता होता है तो भी फसल पे बुरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इसमें जो कीट मुख्यतः पाया जाता है, कीट, कीट भी पूछ सकता है, तो कीट जो पाया जाता है उसको हम बॉल वॉर्म कहते हैं, बॉल वॉर्म, ठीक है, ये कीट मुख्यतः कपास की फसल में पाया जाता है। इसमें जो रोग होता है, रोग जिसको हम झुलसा कह सकते हैं, नॉर्मल सभी पौधों में कॉमन ये रोग पाया जाता है, या इसको ब्लैक आर्म भी कह सकते हैं, ब्लैक आर्म या झुलसा रोग, ठीक है, ये भी कपास का रोग है। अब उत्पादकता की बात करें कि विश्व में कौन कपास की दृष्टि से शीर्ष पर है, कपास के उत्पादन में, कपास के उत्पादन की दृष्टि से विश्व में कौन शीर्ष पर है, भारत में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, तो भारत किस नंबर पर आता है, ये सारी चीजें देखते हैं, ठीक है। तो अब है उत्पादकता, प्रोडक्शन, उत्पादकता, ठीक है, उत्पादकता, तो उत्पादकता विश्व में देखें अगर, तो उत्पादन इसकी उत्पत्ति कहां मानी जाती है, भारत में, तो विश्व में भारत शीर्ष पर है कपास उत्पादन में, ठीक है। और भारत में बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात दूसरे नंबर पे, महाराष्ट्र जो कि महाराष्ट्र से अलग होके गुजरात बना है, तीसरा आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश कह सकते हो, और आंध्र प्रदेश से ही अलग होके क्या बना है, तेलंगाना, तो ये दोनों संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पर है। गुजरात उत्पादन की दृष्टि से फर्स्ट पे है, ये उत्पादन की दृष्टि से फर्स्ट रैंक पर है, उत्पादन मतलब प्रोडक्शन की दृष्टि से फर्स्ट रैंक इन टर्म ऑफ उत्पादन प्रोडक्शन, है ना। और क्षेत्रफल की बात करें अगर कि एरिया कहाँ पे सबसे ज्यादा कपास बोया जाता है, तो क्षेत्रफल सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में बोया जाता है, लेकिन उत्पादन सबसे ज्यादा आपका कपास का गुजरात में होता है, ठीक है। आगे देखें, दूसरे नंबर पर आता है आपका चीन, जानते ही, तीसरे नंबर पर अमेरिका, है ना, अमेरिका, ओके, और चौथे नंबर पर ब्राजील, लिखे ना लिखे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद देखिए, अब इसके कुछ प्रमुख इंपॉर्टेंट चीज है, भारतीय कपास निगम लिमिटेड 1970, जिसको आप कपड़ा मंत्रालय कह सकते हैं, भारतीय कपास निगम लिमिटेड, भारतीय कपास निगम लिमिटेड की स्थापना 1970 में हुई, ठीक है। दूसरा, केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है, केंद्रीय कपास अनुसंधान रिसर्च, है ना, रिसर्च सेंटर, अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है, नागपुर में, याद रखेंगे, नागपुर का किस किस स्टेट में आता है, महाराष्ट्र में, नागपुर, ठीक है। आगे बढ़िए, केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र, उसके बाद आइए मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैनचेस्टर, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, पूरे भारत का मैनचेस्टर किसे, जहां कपड़ा का उत्पादन होता है उसको कहते हैं अहमदाबाद को, और मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया कानपुर, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कोयम्बटूर, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद, ठीक है। तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया पूछा जाए तो आप ध्यान रखेंगे अहमदाबाद, और मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया पूछा जाए तो कानपुर, और मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया पूछा जाए तो कोयम्बटूर लिख लेंगे, मैनचेस्टर ऑफ उत्तर भारत नॉर्थ इंडिया
है ना, मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया। कौन है आपका? कानपुर, क्योंकि आपको तो कानपुर याद होगा। लेकिन याद रखेंगे पूरे भारत की बात करें तो अहमदाबाद, उत्तर भारत की बात करें तो कानपुर, और दक्षिण भारत की बात करें साउथ इंडिया, है ना, दक्षिण भारत की बात करें तो कोयम्बटूर। कोयम्बटूर आपका दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है, ठीक है। कॉटन पुलिस ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? ये ध्यान रखिए, कॉटन पुलिस ऑफ इंडिया। कॉटन पुलिस ऑफ इंडिया किसको? मुंबई को कहते हैं। कॉटन पुलिस ऑफ इंडिया मुंबई को कहते हैं, ठीक है। एक मिनट में चेक कर लूं, कॉटन पुलिस ऑफ इंडिया मुंबई को कहते हैं। बहुत अच्छा, तो ये आपका मैंने जितना संभव था, है ना, उतनी तेजी से आपकी जो प्रमुख व्यापारिक फसल है कपास, उसको पूरा किया है। अगले आने वाली क्लास में मैं जो प्रमुख बची हुई फसलें का उनको बहुत तेजी के साथ कंप्लीट करेंगे। उसके बाद सब्जी उत्पादन, मसाला उत्पादन, पशुपालन, पशुगणना, है ना, ये सारी चीज़ें आगे आने वाली क्लास में मैं कंप्लीट करूँगा। मेरा ऑब्जेक्टिव गोल यही है कि जितनी जल्दी संभव हो आपका ये कोर्स ग्रामीण परिवेश में कंप्लीट कराऊँ। बाकी आपकी जिम्मेदारी है कि आप कितना मेहनत करके परीक्षा में कैसा परफॉर्म करते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करके इस कोर्स को कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। आप लोगों से एक यही रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइबर, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर बढ़ाइए, जिससे कि मैं लाइव आ सकूं। रात में जो भी टाइम आप लोग सजेस्ट करेंगे उस टाइम पे आके मैं लाइव क्लास लूंगा। आप लोगों के साथ ही साथ क्वेश्चन भी लेता रहूंगा, तो वो ज़्यादा आप लोगों को भी समझ में आएगा, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में अपने जो साथ में तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा के बहुत कम दिन है, उनको शेयर करिए। कहीं ना कहीं से ये उनके लिए फ़ायदा ही करेगा ये कंटेंट, ठीक है। तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये आज की क्लास कैसी लगी। कोई भी फीडबैक है जरूर दीजिए, मैं उसे पढ़ूंगा, मुझे अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक जरूर करिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।